हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो फ्रेंड्स? राधे राधे जी सबको, पहले तो सुबह की प्यारी सी राम राम श्याम श्याम, और सुनाइए सब कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड्स, आज है मंडे और कितने दिनों के बाद बच्चे स्कूल जा रहे हैं। 3-4 दिन छुट्टी हो गई थी ना अभी बीच में। हाँ जी, तो आज बना रही हूँ मैं, क्योंकि आज है मेरा फास्ट होएगा, तो मतलब मैं कुछ ऐसा बना रही हूँ जो मेरा सुबह नाश्ता भी हो जाए और दोपहर का भी हो जाए। तो वही मैंने सोचा, फिर मैं बना रही हूँ आज आलू बैंगन की सब्जी और परौंठी बनाऊँगी, क्योंकि सबकी फरमाइश अलग अलग होती है। और आज एक बार ही खाना बनाऊँगी, डबल डबल नहीं, दोपहर में रोटियाँ बना दूँगी इसी सब्जी के साथ। तो जी, वही मैं रोज़ाना की तरह सुबह उठ गई थी, 5 बजे उठी थी आज। तो मैं खैर थोड़ा सा लेट उठी थी, बस 5 बजे उठ के नहा धो के लगी मैं इनका पहले टिफ़िन रेडी कर दूँ। तो टिफ़िन में बनाने के लिए यही सब्जी आटा मैंने करके रेडी कर दिया था, और यहाँ टमाटर 3 टमाटर पीस के वो डाले थे मैंने प्यूरी बना के, और ये सारे आलू वगैरह डाल दूँगी, शिमला मिर्च डाल दूँगी, बैंगन डाल दूँगी, सॉरी आलू बैंगन की सब्जी और शिमला मिर्च मुँह से निकल रहा है मेरे, पता नहीं कहाँ दिमाग हो रहा है मेरा। हाँ जी, तो ये छोंक दूँगी। और ये देखिए उठ गया है, तो ये पी रहा है अपना रोज़ाना की तरह, ये थोड़ा गुनगुना पानी पीता है 1 गिलास। और फिर ये लोग फ्रेश होएंगे, नहाएंगे धोएंगे, तो जब तक मैं इनके नाश्ते और इन सब की प्रिपरेशन कर देती हूँ। और अभी आटा मैंने गून दिया था, उसको सही सेट करना है। फिर इससे पहले मैंने हाँ बालकनी वगैरह कर दी थी उठ के, क्योंकि आज मैं मंदिर नहीं गई थी, और मशीन लगा दी है उधर, क्योंकि सुबह भी यही होता है ना कि बस जो काम मेरे को दिखता जाता है ना, मैं फटाफट फटाफट करने में लग जाती हूँ। फिर जब एक बार आँख खुलती है तो फिर लगता है कि बस अब काम पे लग जाओ, अपनी ड्यूटी पे। हाँ जी, तो यहाँ ये सब्जी बन के रेडी हो गई थी। थोड़ा सा पानी मेरे को ज़्यादा लग रहा था, थोड़ी लटपटी सी बनानी थी, क्योंकि टिफ़िन में ज़्यादा तरी वाली सब्जी दे नहीं सकते, तो बैंगन आलू तो बिल्कुल गाढ़े गाढ़े से ही अच्छे लगते हैं ना। हाँ, तो थोड़ा पानी था वो मैं इसको फूंक दूंगी। और यहाँ मैंने चाय का पानी भी रख दिया है, जब तक बच्चे नहा धोकर आएंगे तो यहाँ इनके लिए मैंने नाश्ता रेडी कर दूंगी बिल्कुल। और सुबह से ही अब देखो मौसम में इतना चेंज आ गया ना, आज तो बहुत ही ज़्यादा चेंज लग रहा था। 6:30 बजे तक भी अंधेरा अंधेरा था लग रहा था, तो ये टाइम था 7 बजे का। तो अभी ये दोनों नहा रहे हैं, जब तक नहा रहे हैं तो मैंने इनका नाश्ता रेडी कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आज हो ही अष्टमी का व्रत, करवा चौथ के चौथे दिन 4 दिन बाद आता है, तो हमारे यहाँ तो हुई अष्टमी का व्रत रखते हैं। आप लोगों के यहाँ रखते हैं कि नहीं रखते, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। तो वही है, ये भी करवा चौथ की तरह ही होता है, इसमें चंद्रमा की जगह तारों को अर्घ देते हैं। हाँ, तो इसमें खाना जल्दी बना लेते हैं, शाम को 5-5:30 बजे तक हम खाना बना लेंगे, क्योंकि फास्ट वाले दिन तारे तो वैसे दिख ही जाते हैं आजकल, नॉर्मली सी बात है, 5:30-6 बजे तारा चमकने लग जाता है। हाँ जी, तो बस यहाँ पे ये भी लग गई हूँ, जो बर्तन मैंने अभी बनाया है ना खाना, जो खाली कर लेती हूँ इन बर्तनों को साथ के साथ। और अभी बच्चे नहा धो रहे थे, पूजा वगैरह कर रहे थे, तो इतने में मैं ये सारे बर्तन भी ना धो के साफ़ करके रख दूँगी, तो मेरा ये काम भी साथ के साथ निपटेगा, जो भी मेरे को लगता है ना सुबह के टाइम। जैसे अभी पराठे में बनाने में मेरे को टाइम है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये दूध वगैरह के भगोने मैंने खाली कर दिए थे, क्योंकि दही भी जमाना था, साफ दही जमाई है रात के लिए। और बस यही है, अब ये बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद तभी फिर टिफ़िन की तैयारी में लगूंगी, क्योंकि बच्चे अभी पूजा कर रहे हैं, और ये भी नहा लिए थे, तो आज सबका नाश्ता सुबह जल्दी हो जाएगा। ये शॉप पे चले जाएंगे, बच्चे स्कूल चले जाएंगे, तो क्या होता है ना, जब सब चले जाते हैं ना ड्यूटी पे अपने अपने काम पे, तो काम मेरा बहुत जल्दी हो जाता है। और जब सब रहते हैं ना, तो फिर तो आप पूछ ही नहीं सकते, पूरा दिन ही काम फैला रहता है, क्योंकि लेट उठते हैं, लेट नहाएंगे, लेट खाएंगे, लेट ही कपड़े धुलेंगे इस वजह से। और यहाँ पे ये मेरे सारे बर्तन जो धुल गए थे, अब मैं इसके बाद बनाऊँगी नाश्ता, रेडी कर देती हूँ जल्दी से, क्योंकि टाइम हो चुका है, दोनों का स्कूल जाना है इन दोनों ने। तो बस अब जल्दी जल्दी से यहाँ पे मेरे को 2 से 3 ही परौंठी बनानी है, क्योंकि ये जब खाएंगे इनका नाश्ता मैं जब भी बनाऊंगी, क्योंकि अभी ये शॉप पे जाएंगे तो पहले झाड़ू वगैरह लगाते हैं, थोड़ी पूजा पाठ करते हैं, फिर लेंगे 8:30-8 बजे के करीब चाय वगैरह। तो यहाँ मैं पहले बच्चों को टिफ़िन रेडी करके उनको दूंगी, और फिर लगेंगे वही घर के जो मेरे रोज़ाना के सारे काम हैं। तो सुबह से अब रूटीन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ना, बच्चे जब स्कूल जाने लग जाते हैं तो चेंज आ जाता है, और यही 2-3 दिन की छुट्टी पड़ जाती है। और अभी बच्चों के पेपर चल रहे थे ना, तो पेपरों में यह था बहुत जल्दी आ जाते थे, 10:30-11 बजे तक बच्चे आ जाते थे, तो वही थोड़ा रूटीन सही नहीं बैठ रहा था। और अब
चेंज हो गया है, मौसम भी चेंज हो गया है, रूटीन भी चेंज हो गया है, तो आज व्रत भी है। फिर वही है, व्रत वाले दिन थोड़ी सी एनर्जी कम होती है ना, तो मेरे से तो बिल्कुल फास्ट वगैरह ना रखे ही नहीं जाते, बड़े बड़े टफ लगते हैं यार एक एक व्रत रखना, बट रखने तो पड़ेंगे, क्या करें। और मौसम चेंज हुआ है तो डुगू के लिए लानी है स्कूल की फुल स्लीव शर्ट, क्योंकि पैंट तो उसके अलाउड है ही, पैंट तो चली रही है, तो शर्ट लेकर आनी है। और आज या कल में मैं मार्केट जाके उसके लिए स्कूल की यूनिफॉर्म लेकर आऊँगी, क्योंकि अब कंपलसरी हो गया, लिख कर आ गया उसकी नोटबुक पे कि फुल स्लीव्स के कपड़े पहना कर ही भेजो, क्योंकि ठंड भी हो गई है और मच्छर इतने हो रहे हैं कि बच्चों को डेंगू मलेरिया से बचाने के लिए फिर टीचर्स लिख कर भेजते हैं ना नोट, हाँ, तो उसकी शर्ट भी लेकर आनी है। और यहाँ पे देखिए बातों बातों में मेरे ये पराठे सारे सीख गए हैं, और मैं इनका अब टिफ़िन जल्दी से रेडी कर दूँगी, क्योंकि टाइम हो चुका है, बज चुके हैं सुबह के 7। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये लग गया है कार्तिक का नाश्ता, और अब मैं देने जा रही हूँ कार्तिक गिरी को। लो आ जाओ पकड़ो जल्दी दो। तो फ्रेंड्स, आज है होई अष्टमी का फास्ट, तो मैंने रखा है कार्तिक डुगू के लिए व्रत। ड्रामा देख रहे हो फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है, कह रहे हैं ड्रामा, ये है आखिर कलयुगी औलाद। और अब लग रही हूँ मैं काम में, पहले बालकनी साफ कर दी, सब काम आज बहुत सारे काम निपट गए, बर्तन वर्तन हो गए हैं, सब्जी आटा भी हो गया है, और मशीन लग गई है, बस सफाई रह रही है और कपड़े रह रहे हैं। तो जो भी पहले इन्हें नाश्ता वगैरह दे देती हूँ, तो मिलते हैं फ्रेंड्स अभी थोड़ी देर में। और बताइए क्या चल रहा है। और आज बनाई थी मैंने आलू बैंगन की सब्जी विद पराठा, तो अभी ये बच्चे वही नाश्ता करके जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, और दोपहर में भी वही खाएंगे, है ना, क्योंकि कार्तिक का बैंगन आलू बहुत फेवरेट है। कार्तिक देखो कितने मन से खा रहा है, और एक नहा रहा है ठंडे पानी से, तो कह रहा है हर हर गंगे। The smell, got the eyes, you got me falling down. I wonder if I can I stay by your side for life? Take my hand, go with me tonight. Your baby, one of the things I like. Take my hand, go with me tonight. Your baby, one of the things I like. Ooh.
जी फ्रेंड्स, तो यहाँ मेरे पूरे घर की हो गई थी क्लीनिंग का काम ख़त्म, और अब ये रह गए थे मेरे थोड़े से कपड़े, तो इन्हें भी मैं साथ के साथ फोल्ड कर देती हूँ और सबको उनकी जगहों पे लगा दूँगी, जहाँ जहाँ जिस जिस अलमारी में रखना है। और फ्रेंड्स, यहाँ मैं करूँगी अपने इस वाले वीडियो का एंड। तो जिस जिसको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वही सब्सक्राइब करो, ज़रूर जल्दी से मेरे सब्सक्राइबर बढ़वाइए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और लाइक कर देना। तो यहाँ पे करूँगी मैं अपने इस वीडियो का एंड, और मिलेंगे कल फिर एक और नए दिन के साथ। अपना अपना ध्यान रखिए, और कल दिखाएंगे मैंने होई का फास्ट क्या है, कैसे रखा और क्या बनाया। तो जी, अभी मेरे को बहुत सारे काम करने हैं, कथा के लिए तैयार होना है, और बस रोटियाँ वगैरह बना दूँगी, फिर इसके बाद जाऊँगी मैं कथा सुनने के लिए। और यहाँ पे कर दूँगी अपना इस वाले वीडियो का एंड, और मिलेंगे कल एक और नए दिन के साथ, नई शुरुआत करेंगे, नया वीडियो अपलोड करूँगी। तो जब तक के लिए सॉरी सबको बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।